इन केस ऑफ एडवांस एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जर्नल एंट्री याद रखनी है जो हमेशा हमें फर्स्ट एंट्री करनी है एंड द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट तो जब कभी भी आपके क्वेश्चन में एडवांस होगा तो योर फर्स्ट एंट्री विल बी दिस एंट्री एंड दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट बिकॉज हमें एडवांस मिलने वाला है सिंस हमें एडवांस मिलेगा जनरल एंट्री विल बी फिक्स बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट लेकिन आपको उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है कि जो हम एक्सपोर्ट का एंट्री करते हैं एक्सपोर्ट का एंट्री क्या होता है पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट उस एंट्री में भी एफ ई एफ आएगा अगर आपका प्रॉफिट होगा तो एफ ई एफ उस एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा अगर आपका लॉस होगा तो एफ ई एफ उस एंट्री में डेबिट हो जाएगा तो आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें एक ही पॉइंट था कि एक्सपोर्ट वाले एंट्री में कभी भी एफ ई एफ नहीं आता इंस्टॉलमेंट के एंट्री में ही एफ एफ आता है बट अभी से एडवांस अगर आया तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना सबसे पहला पॉइंट यह अराइज होता है कि हाउ डू हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एडवांस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसको कैसे समझते देखो ध्यान से देखो माधव एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूएस कंपनी वर्थ वन लैक डॉलर ऑन फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ज रेट वॉज यूएस डॉलर वन इक्वल टू फोर्टी थ्री तो ये आपका जो फोर्टी थ्री है this is the base rate. First March को इन्होंने एक्सपोर्ट किया अब हमें पता चलेगा कि ये एडवांस है या नहीं तो सबसे पहले आपको क्या करनी है इंस्टॉलमेंट नंबर वन चेक करनी है तो मैंने इंस्टॉलमेंट नंबर वन देखी तो इंस्टॉलमेंट नंबर वन देखो फर्स्ट फेब्रुवरी की है एडवांस हमेशा इंस्टॉलमेंट से मैच करके ही हम एडवांस है या नहीं फाइंड आउट करते हैं देखो फर्स्ट मार्च को हमने एक्सपोर्ट किया और फर्स्ट फेब्रुवरी को हमने पेमेंट जो हमें मिल गया है इसका मतलब होता है कि ये है हमारा एडवांस क्योंकि पहले फेब्रुवरी आएगा उसके बाद मार्च आएगा तो फेब्रुवरी मंथ में सामने वाले पार्टी ने हमें क्या कर दिया सामने वाले पार्टी ने हमें पैसे दे दिए एडवांस में पैसे दे दिए और फर्स्ट मार्च को हमने उनको एक्सपोर्ट किया तो अभी यही सारी चीज़ें हमको सीखनी है तो सबसे पहले देखेंगे इसकी जरल एंट्रीज कैसी होती है तो जर्नल एंट्री नंबर वन मैंने आपको बताया ऑलरेडी फॉर्मेट और जर्नल एंट्रीज ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे ताकि हमारा टाइम बच जाए और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए फेब्रुवरी फर्स्ट एंट्री हमने अभी देखा था एंट्री क्या होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट तो मैंने यहाँ लिखा बैंक अकाउंट डेबिट तो तो so, so, पे आपको दिख रहा है ट्वेंटी थाउजेंड का एडवांस है rate है तो चलो में लिखेंगे और मल्टीप्लीकेशन भी सीख लेंगे तो so, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा इसका मल्टीप्लीकेशन होगा ट्वेंटी थाउजेंड आपके डॉलर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर को आपको मल्टीप्लाई करना है फोर्टी थ्री से जितना एडवांस मिला उतना ही आपको वैल्यू लिखना है तो दैट विल बी एट लैक सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो दैट इज दी एंट्री नंबर वन वेरी वेरी सिंपल एक्सपोर्ट में एंट्री क्या होता है एक्सपोर्ट में एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट ये आपके एडवांस का एंट्री है जो आपको ध्यान रखना फिर अभी हम हमारे फर्स्ट मार्च के एंट्री में जाएंगे फर्स्ट मार्च की एंट्री देखते हैं देखो फर्स्ट फेब्रुवरी के बाद फर्स्ट मार्च आएगा बेस रेट क्या है हमारा 43 है ठीक है अभी हम कैसे करते हैं ये एंट्री ये ध्यान रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अभी देखो किस तरीके से इसकी एंट्री कर रहा हूँ तो हमारा बेस रेट बेस रेट कितना है हमारा बेस रेट है 43 और हमारा एडवांस का रेट क्या है हमारा एडवांस का रेट है 43.25 अगर हम ध्यान दे तो रेट क्या हो रहा है रेट बढ़ रहा है अगर रेट बढ़ता है एक्सपोर्ट में तो प्रॉफिट होता है और अगर प्रॉफिट होता है तो एफ ई क्या होता है क्रेडिट होता है इसलिए देखो एक्सपोर्ट की एंट्री में भी एफ पी आया है इधर स्टार मार्क करता हूँ यही नया पॉइंट एडवांस में है बिकॉज एक्सपोर्ट की एंट्री में कभी एफ ई हमने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें नहीं देखा है तो अभी मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखो किस तरीके से कर रहा हूँ सबसे पहले हम प्रॉफिट का एंट्री कर लेते हैं ट्वेंटी का एडवांस था ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बायी थ्री और फोर्टी थ्री पॉइंट का डिफरेंस लेना है ठीक है क्या करना है ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड ट्वेंटी वो आपको वैल्यू आ जाएगी एफ एफ के क्रेडिट साइड में फाइव थाउजेंड की हमने टोटल वैल्यू कितने के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं हमने टोटल वैल्यू कितने के गुड्स एक्सपोर्ट किए देख लो स्टार्टिंग में दिया था वन लाख डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं ठीक है वन लाख डॉलर के गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखेंगे वन लैख मल्टीप्लाइड बाय बेस रेट क्या है हमारा फोर्टी थ्री तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा फोर्टी थ्री लैक्स फिर फोर्टी थ्री लैख और फाइव थाउजेंड यूएस कंपनी डेबिट साइड फोर्टी थ्री लैख फाइव थाउजेंड तो दैट इज दी ये दो एंट्री ही आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एडवांस की एंट्री करेंगे और व्हाट विल बी दी एंट्री ऑफ एडवांस बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट हमें पैसे मिल रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट फिर उसके बाद आप हाँ एक्सपोर्ट की एंट्री करोगे एक्सपोर्ट की एंट्री हम आज तक क्या करते थे एक्सपोर्ट की एंट्री हम करते थे पार्टीज अकाउंट डेबिट टू तो एक्सपोर्ट सेल्स लेकिन इसी एंट्री में एफ ई भी आ जाएगा प्रॉफिट लॉस आपको ढूंढना है हमेशा बेस रेट को ऊपर रखे और फिर कंपेयर करे चलो अभी इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज करेंगे ये तो काफी सिंपल है फिफ्टींथ मार्च को इंस्टॉलमेंट है फिफ्टी डॉलर रेट बन गया फोर्टी थ्री पॉइंट फिफ्टी तो चलो अभी मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो पहले यहां पे मैं बेस रेट लिखता हूं फोर्टी थ्री रेट बन गया कितना रेट बना फोर्टी थ्री पॉइंट फिफ्टी बन गया फोर्टी थ्री पॉइंट फिफ्टी बना तो फोर्टी थ्री रेट था अभी कितना बन गया फोर्टी थ्री पॉइंट फिफ्टी बन गया अगेन रेट इज इंक्रीज रेट इज इंक्रीज दैट मींस इट इज अ प्रॉफिट और प्रॉफिट होता है तो क्या होता है एफ एफ क्रेडिट इंस्टॉलमेंट रिसिव का एंट्री करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट टू एफ ई एफ अकाउंट चलो मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कितना ये डॉलर का है फिफ्टी थाउजेंड डॉलर है तो अभी मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करना है ब्रैकेट में लिखता हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी थ्री पॉइंट फिफ्टी मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी थ्री पॉइंट फिफ्टी तो दैट विल बी ट्वेंटी वन लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो ये हम लिखेंगे बैंक में ट्वेंटी वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फिर हमारा जो बेस रेट है वो बेस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी थ्री चलो मल्टीप्लाई करते हैं फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी थ्री डेट विल बी ट्वेंटी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में ट्वेंटी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड और डिफरेंस लेंगे ट्वेंटी वन लाख सेवेंटी फाइव का और ट्वेंटी वन लैख फिफ्टी का दैट विल बी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा नरेशन इज सिमिलर बींग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड द एक्सचेंज डिफरेंस तो आगे बढ़ते हैं अभी ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट देखो फिफ्टींथ मार्च के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट मे का ट्रांजेक्शन है इसके बीच में थर्टी फर्स्ट मार्च आता है और थर्टी फर्स्ट मार्च को मैंने आपको बताया था थर्टी फर्स्ट मार्च को दो एंट्रीज होता है कौन सा कौन सा एक एंट्री होता है आपका वैल्यूएशन का और एक एंट्री होता है आपका क्लोजिंग का तो अभी हम क्या करेंगे वैल्यूएशन की एंट्री और क्लोजिंग की एंट्री तो सबसे पहले बैलेंस देख लेते हैं ये बैलेंस मतलब आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च कितनी है एक ही है फर्स्ट मे की एक लाख डॉलर टोटल है एक लाख में से अगर बीस हजार और पचास हजार सेवेंटी थाउजेंड माइनस करें तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा थर्टी थाउजेंड का बैलेंस वर्ड दिया तो इस तरीके से सॉल्व करना है वन लाख माइनस ट्वेंटी माइनस फिफ्टी दैट विल बी थर्टी थाउजेंड पेंडिंग है इधर थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट दिया है 43.75 थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव हमारा बेस रेट कितना बेस रेट फोर्टी थ्री थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट कितना फोर्टी थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव तो डिफरेंस देखो कितना है डिफरेंस है जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव को आपको मल्टीप्लाई करना है आपके आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट से जो है थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन करते हैं थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव दैट कम्स टू ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो एंट्री आपका का होगा। पहले देख लेते हैं किस तरीके से होगा अकाउंट डेबिट टू एफ एफ अकाउंट किस तरीके से सॉल्व किया बेस रेट क्या था बेस रेट था फोर्टी थ्री थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट क्या था फोर्टी थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव रेट बढ़ गया रेट बढ़ा इसलिए प्रॉफिट एफ क्रेडिट इंस्टॉलमेंट कितना पेंडिंग है एक ही इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय दोनों के रेट का डिफरेंस है जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव और वैल्यू आता है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एफ पी एफ क्रेडिट होगा या फिर एफ ई एफ डेबिट होगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन सिंस देर वॉज अ प्रॉफिट एफ ई एफ क्रेडिट हुआ अगर लॉस होता तो एफ ई एफ क्या करते हम डेबिट करते है. अभी हमें क्या करना है जितने बार एफ ई एफ क्रेडिट हुआ उसको प्लस करना है जितने बार एफ ई एफ डेबिट हुआ उसको माइनस करना है एक बार देख लेते हैं एंट्री नंबर सेकेंड देखो एंट्री नंबर सेकेंड में क्रेडिट है एंट्री नंबर थर्ड में भी क्रेडिट है यहाँ पे भी क्रेडिट है तो तीनों क्रेडिट है तीनों ऐड कर लेंगे ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव थर्टी थाउजेंडी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड दैट विल बी फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्रेडिट क्रेडिट का मतलब क्या बताया था मैंने पॉजिटिव तो वॉट वॉज द रूल रूल क्या था हमारा रूल था क्रेडिट को प्लस करो डेबिट को माइनस करो जितने बार एफ ई एफ क्रेडिट हुआ उसको प्लस करो जितने बार एफ ई एफ डेबिट हुआ उसको माइनस करो अभी हमने सारे क्रेडिट्स को प्लस कर दिया डेबिट था ही नहीं आंसर आ जाएगा फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंट्री विल बी एफ ई एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस इफ़ दिस आंसर इज नेगेटिव देन दी एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ ई एफ अगर यही एंट्री आपने उल्टी कर दी और अमाउंट यही लिखी तो आपको एंट्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे ध्यान रखना है क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस करके अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो एंट्री बनेगा एफ ई एफ टू प्रॉफिट एंड लॉस और आंसर अगर माइनस में आता है तो एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस टू एफ ई एफ थर्टी फर्स्ट मार्च होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम हमेशा मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखना है एग्जाम में भी बेस रेट अभी चेंज होगा ठीक है अभी नया बेस रेट क्या बनेगा नया बेस रेट बनेगा थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट चलो थर्ट फर्स्ट मार्च का रेट एक बार देख लेते हैं इधर पैराग्राफ में दिया है थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट फोर्टी थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव तो अभी थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट जो है वो हमारा बेस रेट बनेगा तो यहाँ पे मैं बेस रेट लिख लेता हूँ बेस रेट चेंज फोर्टी थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव ये हमारा बेस रेट है फोर्टी थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव चेंज हो गया वैल्यूएशन होने के बाद हमेशा बेस रेट क्या होता है बेस रेट चेंज होता है अब हम देखते हैं मे का जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसका रेट कितना बना उसका रेट देखो कितना है फोर्टी टू पॉइंट सेवेंटी फाइव ठीक है तो अभी रेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ देखते हैं। अभी क्या बना फोर्टी टू पॉइंट सेवेंटी फाइव तो इफ यू सी द रेट इज डिक्रीज एक्सपोर्ट का हम हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सपोर्ट में अगर रेट कम होता है तो क्या होता है लॉस और जब भी लॉस होता है तब एफ ई एफ डेबिट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट एफईफ अकाउंट डेबिट टू यूएस कंपनी सी हाउ मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लीकेशन इज डन थर्टी थाउजेंड का पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है मल्टीप्लाइड बाय 42.75 चलो मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है 30,000 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी तो आपको वैल्यू मिल जाएगा डेबिट साइड का बैंक का ट्वेल्व लैक्स एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर हम यूएस कंपनी में लिखेंगे थर्टी थाउजेंड हमारा पेंडिंग इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय बेस रेट फोर्टी थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव

अब हम थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद एक ही एंट्री किया है हमने मे का इसका क्लोजिंग करेंगे तो इसका क्लोजिंग करने के लिए मैंने डेट डाल दिया टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मार्च थर्टी फर्स्ट देखो अब ये थर्टी थाउजेंड जो है ये ही अमाउंट यहाँ पे आएगा एफ ई एफ डेबिट जितने बार हुआ वो माइनस होता है जितने बार क्रेडिट हुआ प्लस होता है यहाँ पे डेबिट है और मैंने आपको बताया था डेबिट का मतलब हमेशा क्या होता है नेगेटिव और नेगेटिव जब भी होगा तो एंट्री क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एफ एफ अकाउंट अमाउंट वाला ही लिखेंगे तो यही है थोड़े से कंसेप्टवाइज चेंजेस होते रहते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस है तो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन इट्स सिमिलर एज पर दी पॉइंट ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस लेवल में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो अगले बार मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर